नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम स्टैंडर्ड 5 EVS यूनिट 2 स्नेक चामस स्टोरी देखेंगे। बुक है हमारी लुकिंग अराउंड से एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये हमारा सेकंड यूनिट है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हम देखने वाले हैं, लाइक प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में ये है। तो यहाँ पर हमको स्नेक चार्मर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि स्नेक चार्मर जो है वो बेसिकली राजस्थान में पाए जाते हैं और उनको कलबेलियाज कहते हैं, सपेरा भी कुछ कहते हैं उनको, जो अपनी बाम्बू से बनी हुई बास्केट के अंदर सांपों को लेकर जगह जगह घूमते हैं और उसका जो डांस है वो लोगों को बताते हैं और उस तरह से वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। और अपने साथ वो कुछ मेडिसिंस भी लेके चलते हैं और कई बार जिन लोगों को सांप ने डंक मारा होता है उसकी मेडिसिन वो प्रोवाइड करते हैं। आज के वक्त की अगर हम बात करें तो आज के वक्त में सांप और अन्य जो जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स है, जिनकी प्रजातियों को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, ऐसे एनिमल्स को और वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ना, उनके खेल बताना, उनको पालना जो है वो गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक बैन कर दिया हुआ है। तो आज इस हम चैप्टर में इसके जो सोल्यूशन है वो देखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा आपको कि अगस्त महीने के अंदर 27-28 को हमारी सेकेंड यूनिट टेस्ट होने वाली है और जिसके प्रिपरेशन के तौर पर हमको सेकंड चैप्टर भी उसमें आने वाला है। तो चलो आज हम सेकंड चैप्टर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो देखेंगे और उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और आपको क्या क्या क्लास नोट्स के अंदर लिखना है ये आपके सामने रख रहा हूँ। आप अपनी नोट्स लेकर बैठ जाए और आपको ये कॉपी करना है। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लाइक MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू और फॉल्स, आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि चैप्टर हमने आगे विजुअल्स देखे, स्नेक चामर है तो उसके लिए हमको MCQ में पूछा है इन विच ऑफ दिस इज अ नॉन वेनोमस स्पाइसिस ऑफ टू कलबेलियाज एज वेल एज नॉन ट्राइब ऑफ द स्नेक। इसमें आएगा इंडियन रॉक पाइथन। द कलबेलियाज आर ऑल्सो नोन बाई द अदर नेम इन राजस्थान, तो सपेराज, स्नेक चामर जो है उनको राजस्थान के अंदर सपेरा कहा जाता है। द कलबेलियाज इज अ वेल नोन ट्राइब ऑफ राजस्थान, और वो राजस्थान की बहुत ही फेमस ट्राइब है जो सांपों को पकड़ने का काम करती है। मैं उसके कुछ फोटोग्राफ भी आपके सामने रखने वाला हूँ, आप ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं। वट टाइप ऑफ मेडिसिन इज टू बी गिवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, तो जब सांप किसी को डंक मार देता है तो उसके लिए एंटी वेनम सी ऑप्शन जो है वो मेडिसिन दी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स दिए, सपेराज आर, तो हम उस ब्लैंक्स के अंदर लिखेंगे स्नेक चार्मर्स। दे मेक डैश फ्रॉम द प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो वो मेडिसिन यानी दवाई भी बनाते हैं। पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर ऑल्सो कॉल्ड फैंग्स। स्नेक डांसिस ऑन अ म्यूजिक ऑफ बीन। स्नेक चार्मर्स कैरी स्नेक्स इन अ डैश बास्केट, तो हम उसमें ले लेंगे बाम्बू बास्केट्स। स्नेक बाइट्स कैन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट, यानी जब सांप डंक मारता है तो मौके पर ही मौत भी हो सकती है। कलबेलियाज गिव स्नेक्स टू देयर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, तो यहाँ पर डॉटर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बनाना है वो है ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 सेंटेंस, स्नेक चार्मर्स कैन नॉट क्योर पीपल बीटन बाय द स्नेक, फॉल, उसका इलाज करते हैं। अ स्नेक हैज वन हॉलो टीथ, फॉल्स। अ स्नेक चार्मर कैरी देयर स्नेक्स इन अ प्लास्टिक बास्केट, नो, बाम्बू बास्केट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 4 सेंटेंस, स्नेक हेल्प द फार्मर्स बाय ईटिंग द रैट्स इन अ फील्ड्स, ट्रू। गवर्नमेंट हैज मेड लॉज दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स, ट्रू, यानी आज कोई भी मदारी या स्नेक चामर जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ नहीं सकता। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड एंड सेंटेंस, तो ये आपके सामने मैंने
उसका वीडियो बना रहा हूँ और ये फोटोज आपके सामने हैं। हाउ आर पॉइजनस स्नेक मेड नॉन पॉइजनस, यानी जो सांप है, जो विषैले है यानी विष वाले है, जहर वाले हैं, उनका जहर किस तरह, उनको बिना जहर के किस तरह किया जाता है। स्नैक्स आर मेड नॉन पॉइजनस बाई रिमूविंग पॉइजन फ्रॉम देयर फैंग्स, यानी उनके तीत के अंदर से, दांतों में से जो जहर है उसको रिमूव किया जाता है। हाउ हैज गवर्नमेंट एंश्योर टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। गवर्नमेंट ने एक कायदा बनाया है जिसके अंतर्गत कोई भी आदमी जो भी जंगली जानवर है उनको पकड़ना और पाल नहीं सकता। हु आर कलबेलियाज, कलबेलियाज आर स्नेक चार्मर्स हु मेक द स्नेक डांस बाई प्लेइंग द बीम। सेंटेंस फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, अपार्ट फ्रॉम स्नेक्स व्हाट इज कैरीड बाय द स्नेक चार्मर्स, द स्नेक चार्मर वुड कैरी मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन इन देयर बॉक्स अपार्ट फ्रॉम द स्नेक। क्वेश्चन, Why snake are known as farmer's friend? ये बहुत ही ज़्यादा important question है। The snakes eat the rats in the field and hence they are known as farmer's friend. Why snakes are called treasure for the snake charmers? The snake charmers use the snakes to earn living by moving from place to place and showing their dance. तो यहाँ पर हमने इसके जो आंसर इन वन सेंटेंस वन वर्ड थे वो देख लिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, और आखिर में मैं इसका 20 मार्क का टेस्ट पेपर भी यानी वर्कशीट भी आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ इसे अपने अपने दोस्तों को शेयर करें और इसकी नोट्स बना लें। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ Have the laws made by the government affected communities like snake charmers, madaris and the circus people? Since these people directly deal with animal, the government has made the law that no one can catch wild animals. As the result, they have to opt for the other profession and leave their ancestral work. यानी उनको अपना पुश्तैनी काम छोड़ देना पड़ेगा। किन लोगों को? Snake charmer, madaris and circus people. Because they deal with the animals, wild animals. Question number two, how does snake poison enter the body? Very important question. A snake has two hollow teeth, जिसको हम fangs कहते हैं. When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. तो इस तरह से जो जहर होता है वो हमारी body में आ जाता है. Question number three, how do you think snakes are important for our environment? Snakes from a key link in a food chain. They act as a predators and as the prey. They help maintain healthy ecosystem and environment. Rodents like snakes have a role to play in an environment, but they can't be allowed to breed out of control. Yani unki tadad had se zyada bhi badhni nahi chahiye. Last question, how could the snake charmer were of help to people, वो लोगों को किस तरह मदद करते हैं? Snake charmer were of the help in the following ways. A medicine are made by the plants and collected from the forest. उसी क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट, they catch snakes from the fields and sometimes houses. And the last question of the chapter, please pay attention. From where do we get medicine from the snake bites? The medicine for the snake bites is made from the snake's poison and it is available in all government hospitals. Government hospital के अंदर, सरकारी दवाखानों के अंदर इसकी दवाएं जो है वो उपलब्ध है। अब मैं आपके सामने इसका वर्कशीट जो है वो रख रहा हूँ, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप इसके क्वेश्चंस कॉपी कर लें। ये क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, 8 मार्क्स का वेटेज है उसका। हाउ हैज गवर्नमेंट इंश्योर टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स। सेकेंड क्वेश्चन, वाई स्नेक्स आर कॉल्ड अ ट्रेजर फॉर द स्नेक चार्मर्स। थर्ड क्वेश्चन, वाई स्नेक्स आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ आर पॉइजनस स्नेक्स मेड नॉन पॉइजनस। एंड क्वेश्चन नंबर टू जो है वो ब्रीफ क्वेश्चंस वाला है, 12 मार्क्स का वेटेज है आपके सामने। 4 क्वेश्चन है, हाउ कुड द स्नेक चार्मर्स वर ऑफ हेल्प टू पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू वी गेट मेडिसिन फ्रॉम स्नेक बाइट्स, फॉर स्नेक बाइट्स। हाउ डज स्नेक पॉइजन एंटर द बॉडी।
एंड क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैव द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट अफेक्टेड कम्युनिटीज लाइक स्नेक चार्मर, मदारीज एंड द सर्कस पीपल। ये मैंने इसके आंसर्स आपको दे दिए हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आप अपने कीमती सजेशंस हमको दे और नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा बनाएं उसके सजेशंस भी आप कमेंट्स में लिख के दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।